तो मैं आपको बताता चलू कि चार्ज एक किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यानी कि उसकी बाय बॉन्ड प्रॉपर्टी है जब भी हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो वो एक्सपीरियंस करती है कुछ ना कुछ फोर्स अपने ऊपर ठीक है तो ये हमारे पास चार्ज कहलाता है चार्ज को हम बेसिकली क्यों से डिनोट करते थे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी उनको हम वन बाय वन दोबारा से रिकॉल करते हैं कि चार्ज ऐसा है कि जब भी ना उसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है अब जो सेम चार्जेस होते हैं ना उनमें वो हमारे पास रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं आई I मीन mean, जो repulsion है ना वो एक श्योर टेस्ट है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज के होने का अब हमारे पास इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली इस चैप्टर का वो है कूलम्स कोलमजिला अगर मैं आपको कूलम्स कुलमजिला के बारे में बताऊं तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं अब इलेक्ट्रिक फोर्स से मुराद मेरी ऐसी है कि जब भी कोई दो चार्जेस आपस में एक दूसरे के नज़दीक हों तो उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन होती है अब उनका आपस में क्या ताल्लुक होता है तो उसको

तो हमारे पास प्रोपोशनलिटी को हटाने के बाद कांस्टेंट के आता है और इस कॉन्स्टेंट के की वैल्यू है नाइन इंटू टेन टू द रेस पावर नाइन न्यूटन मीटर स्केयर पर गुलम स्केयर और इसको हम वन अवर फोर पाईलो नॉट भी कहते हैं अब इसमें जो एप्सलो नॉट है ना वो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होता है और हमारे पास अगर हम मीडियम एयर के अलावा कोई और हो तो उसमें हम रिलेटिव परमिटिविटी के लिए एप्सलॉन यूज करते हैं उसमें एप्सलो नॉट नहीं और एप्सलॉन को जो हम डिफाइन करते हैं कि वो हमारे पास किसी भी मीडियम की है एयर के अलावा अब इसको हम डिफाइन किया जाता है कि एप्सलॉन और आर और हमारे पास इस तरह जो एफ मीडियम और एफ वैक्यूम वैक्यूम से मुराद मेरी है एयर जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम एयर में एक्सपीरियंस करते हैं ना उसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर एप्सलॉन आर और एप्सलॉन आर से मुराद मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है अब हमारे पास के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जिसमें हमारा चार्ज जो है ना अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है कोई ना कोई फोर्स एंड इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस और अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो ये नाम से ही जाहिर है है कोई ना कोई ना स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड इट इज डिफाइंड एज द ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ई इज इक्वल टू ओवर क्यू नॉट से एफ से मुराद मेरी कूलम फोर्स है वेयर नॉट इज अ टेस्ट चार्ज और इसमें हमारे पास जो तो चार्जेस है ना इनके अंदर ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना चार्जेस के रिप्रेजेंटेशन में हेल्प कर रही होती हैं जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना इसके अंदर से ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूविंग अवे हो रही होती हैं जबकि नेगेटिव चार्जेस में हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसके इनवर्ट जा रही होती हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है ना वो टेक्निकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास प्रिंटर में हमारे पास फोटोकॉपी मशीन में और इवन हमारे पास डिफरेंट टेक्निकल फील्ड लाइक कंप्यूटर तक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन शामिल हैं और इसमें हमारे पास जो एक नया और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्लक्स को स्टार्ट करते हैं हम उसके से कि तो फ्लक्स ना बेसिकली ये एक ना लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसकी मीनिंग है बेसिकली फ्लो की एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करूँ तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस दैट पासिज थ्रू द एरिया प्लेज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अगर एक हमारे पास कोई भी बॉडी हो उसके से जो रही होती है ना एक यूनिट एरिया है कि जिसकी लेंथ और वेट जो हमारे पास की है तो उस फ्लक्स होगा ना वो हमारे, हमारे गुजारि होंगी और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं फाइव इज इक्वल टू ई डॉट फ्लक्स है बेसिकली e और फ्लक्स इज इक्वल टू ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने अपने फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स और स्केलर में डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा था कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो वहां पे हम ई ए कॉस थीटा लिखते हैं अब इसके अंदर ना हमारे पास तीन कैसे हैं कि जब भी ना हमारे पास फील्ड लाइन गुजार रही होती है कि जब भी हमको बॉडी है उसको हम टिल्टेड एंगल पे रख दें जब टिल्टेड एंगल टिल रखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ई ए कॉस और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होगा जब हमारे पास उस केस नॉर्मल के साथ उसके पैराल होंगी लाइन और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो जीरो होगा यानी कि ई ए कॉ जीरो का मतलब है वन तो हमारे पास फ्लक्स उस टाइम क्या होगा ई ए जबकि अगर हमारे पास नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगी यानी कि एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा होगा तो उस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सर्फेस में क्या होता है कि जब भी एक क्लोज सर्फेस होना उस क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला एक यूनिट एरिया का अब एक सर्फेस जो है वो जरूरी नहीं है कि उसका एरिया यूनिट हो तो उसका एरिया जो भी होगा ना हम उसको स्प्लिट करेंगे इन इट्स यूनिट्स एरिया और उसको एंड पे हम ऐड कर देंगे यानी कि हमारे पास ई डॉट डेल्टा ए अब डेल्टा ए जो है ना वो मेरे पास चेंज इन एरियाज हैं और वो जो हमारे पास क्लोज सर्फेस है ना उसको हम स्प्लिट कर रहे होते हैं और इसके लिए हम समेशन यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा ए हो तो हम समेशन लिखते हैं कि हम उसको स्प्लिट करते हैं और उसको आपस में ऐड कर लेते हैं इन दी एंड अब इसको हम ना इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना सर्फेस से ज्यादा लीव कर रही हूँ यानी कि उसके अंदर से निकल रही हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है जब उसके अंदर एंटर हो रही हो तो हमारे पास फ्लक्स नेगेटिव है और जब इंटरिंग और लीविंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो बराबर हो तो उस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गॉज इज लॉ गॉजेज लॉ को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेस पे और इसको डिफाइन किया जाता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज बाय द सर्फेस डिड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सलोन नॉट अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हम इसमें ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं किस तरह है। क्योंकि क्लोज सर्फेस की बात हो रही है और मैंने आपको बताया क्लोज सर्फेस में हम एरिया को स्प्लिट करते हैं और एड दिया हम उन तमाम एरियाज को एड करते हैं आए इसकी डेरिवेशन के ऊपर देखते हैं आप अगर देखें तो आपके पास एक क्लोज सर्फिस है और इसमें हमने एरिया ए को स्प्लिट किया इन देयर स्मॉलर पार्ट्स यानी कि ए वन ए टू ए थ्री और अप टू ए एन और अगर हम इनमें फ्लक्स को देखें तो हमारे पास जो है वो है समेशन ऑफ ई वन ए वन और उसको हम एड इन करते हैं और ये फ्लक्स हमारे पास एन नंबर अब तक जा रहे हैं यानी कि हमारे पास फ्लक्स एन जो होगा वो ई एन इन टू ए एन के बराबर होगा और अगर मैं इनमें टोटल फ्लक्स की बात करूं तो वो क्या होगा फाइव यानी कि अप टू और इसमें हमारे पास समेशन के लिए हम समेशन का टर्म यूज कर रहे होंगे और नीचे सर्फेस लिख देंगे यानी कि हम सर्फेस एरिया या फिर क्लोज सर्फेस की बात कर रहे हैं जबकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो आपको पता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो इस समेशन के पीछे आ जाएगी और हमारे पास सरफेस का जो समेशन है वो एरिया के ऊपर लग रहा होगा और आपको ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ओवर फोर पाई एक्सल नॉट इन टू वन अवर आर इसमें एक क्यू नहीं होता क्योंकि आपको पता है e जो होता है वो मेरे पास एफ क्यू के इक्वल होता है और क्यू और क्यू आपस में कट के हमारे पास क्यू रह जाता है

तो हम सब को ऐड कर लेंगे अप तो एन तक तो मेरे पास जो फ्लक्स होगा वो क्यू वन एप्सो नॉट नॉट और अप टू तो क्यू एन ओवर एप्सलो नॉट के इक्वल होगा इनमें जो चीज कॉमन है वो है एप्सलो नॉट तो वन ओवर एप्सलो नॉट को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग चार्जेस यानी कि क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री क्यू एन होंगे और इसके अंदर हमारे पास अगर मैं सारे चार्जेस को ऐड कर दूं तो मैं वहां पे समेशन की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई मेरा वन से स्टार्ट होके टू एन तक जा रहा है और उसको मैं क्यू आई लिख रहा हूं

इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको याद होगा कि हमारे पास ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है कि जब भी हम किसी चार्ज को इनफिनिटी से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे होते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वर्डनिंग टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम वी इज इक्वल टू डब्लू से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट्स हमारे पास वोल्ट होते हैं अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बेसिकली एनर्जी है ठीक है और इसको डिफाइन किया जाता है कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड

तो मेरे पास वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम चार्जेस को स्टोर करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि इसमें दो पैरल प्लेट्स होती है जिनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इन प्लेट्स के दरमियान में कोई भी कंडक्शन यानी कि ज्वाइनिंग नहीं होती और इनके दरमियान इंसुलेटर रखा जाता है या फिर कोई भी डाई ठीक है अब डायलेक्टेड जो होता है ना वो बेसिकली ना दो टाइप के मालिक्यूल से बनता है या पोलर से या फिर नॉन पोलर मालिक्यूल से और इसमें हमारे पास जो चार्जेस का और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है वो डायरेक्ट है यानी कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और अगर आप प्रपोर्शनैटी को हटाते हैं तो वहां पे कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं और इधर कॉन्स्टेंट सी हमारे पास कैपेसिटेंस का लाता है जिसके यूनिट्स हैं फेरिड

एप्सलॉन आर एप्सलॉन नॉट ई स्केयर इंटू ए डी इसको हम अपने चैप्टर में काफी डिटेल में देखेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बेसिकली डिफाइन करते किस तरह है अब इसके बाद हमारे पास इसका जो है वो है चार्जिंग प्रोसेस के चार्जिंग में हमारे पास जो कैपेसिटर के अंदर ना एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है और इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर है हमारे पास माइनस टी एवर आर सी और इसमें हमारे पास आर सी जो है वो टाइम कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट क्या है कि ये बता रहा होता है कि कैपेसिटर किस टाइम हमारे पास 63 परसेंट चार्ज हो चुका है अपने इनिशियल पॉइंट से और इसको भी हम अपने चैप्टर में काफी डिटेल में देखेंगे इसकी डेरिवेशन वगैरह को हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे अब हमारे पास है कि कम्बीशन और कैपेसिटर बेसिकली है क्या आपको पता है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि कैपेसिटर के बेसिकली दो कम्बीशन है कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल अगर सीरीज की बात करूं तो इसमें हमारे पास, पास कैपेसिटर जो है वो साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं जबकि पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर्स जितने भी हैं उनकी जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं और नेगेटिव प्लेट्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं और अगर सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें हमारे पास चार्जेस यानी कि क्यू जो होता है वो सेम होता है जबकि पैरेलल में वो डिवाइड होता है और सीरीज में हमारे पास जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड होता है और पैरेलल में हमारे सेम होता है। और सीरीज की की तो में रेसिप्रोकल होता, सी होता, होता है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर वन यानी कि यूनिट नंबर इलेवन क्लास नंबर ट्वेल्व का खत्म होता है आई होप आपको इसके तमाम टॉपिक समझ आए होंगे अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही इन द नेक्स्ट न्यू टॉपिक डॉट पी के